को है प्रियंका का खौफ, निमरत डरती है प्रियंका से। आइए जानते हैं ऐसा किसने कहा है निमरत को लेकर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। अक्सर आपने देखा है निमरत और प्रियंका में 36 के आंकड़े हैं और इन दोनों के 36 के आंकड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निमरत के सामने अगर प्रियंका की तारीफें कोई कर दे तो निमरत को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हालांकि निमरत ये बात और ये सच्चाई से वाकिफ है कि प्रियंका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है और काफी शानदार अपने एंगल से और अपने एंड से खेलती हैं। लेकिन यहाँ पर निमरत जो है वो प्रियंका को पसंद नहीं करती हैं। हमने रिसेंटली भी देखा कि नॉमिनेशन के टास्क में और कैप्टेंसी के टास्क में उन्होंने सबसे पहले प्रियंका को ही चुना कि वो नॉमिनेट हो जाए। इवन ऐसा भी है कि कैप्टेंसी टास्क में भी हमें ये भी पता है कि इनफैक्ट जो तीन कैप्टन बनने थे उनमें से कोई सेव नहीं होना था नॉमिनेशन से, लेकिन कैप्टन बनना था। लेकिन इसके बावजूद निमरत ने प्रियंका को सेव करना और कैप्टन बनाना सही नहीं समझा। इनफैक्ट साजिद भी उनसे पूछते नजर आए कि टीना और प्रियंका में से कौन लगता है तुम्हें कि बिग बॉस का घर बहुत ही बखूबी से संभाल सकती है। हालांकि निमरत इस जवाब को जानती थी कि वो प्रियंका ही है, लेकिन इसके बावजूद निमरत ने जवाब देना सही नहीं समझा और निमरत ने तुरंत ही कैप्टेंसी के नाम से प्रियंका का नाम हटा दिया। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि नॉमिनेशन की भी बारी आती है तो निमरत सबसे पहले प्रियंका को ही नॉमिनेट करती है। ऐसे में लोगों का मानना है ये, यानी कि ऑडियंसेस ये कह रहे हैं कि निमरत जो है वो डर जाती है, निमरत को प्रियंका से डर लगता है। कहीं ना कहीं निमरत को ये पता है कि प्रियंका उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से निमरत कोशिश करती है कि प्रियंका बिग बॉस के घर से पहले ही बेघर हो जाए। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि निमरत डरती है प्रियंका से, निमरत को है प्रियंका का खौफ। अब आप बताएं कि आपको भी लगता है कि निमरत बार बार नॉमिनेट करना एविक्ट करती है इसलिए क्योंकि निमरत के दिल में प्रियंका के लिए खौफ है, प्रियंका से डरती है निमरत। अपने रिएक्शंस बताएं इस स्टेटमेंट्स पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।